तेरी भांग की घुटाई मार गी, गोरा तेरी रोज की लड़ाई मार गी। माना जाता है सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। महिलाएं इस दौरान अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस पूरे महीने कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ गीत भी बजते हैं, डीजे पर कांवड़िए थिरकते हैं। डीजे पर बजने वाले इन गानों में कुछ इस तरह के गीत होते हैं, भोले तेरे भांग की घुटाई मार गई, या बम बोला भांग का खा गोला। फिर अगला गीत बजता है, एक चिलम का सुट्टा तू मरा दे, भोलेनाथ मेरा नशा हो गया ढीला और टूट लिया गाल। जब ये बंद होता है तब अगला गीत चालू होता है, न घोटू तेरी भांग ओ गणेश के पापा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ गीतों में तो माता पार्वती भगवान शिव के रोज रोज भांग पीने से परेशान हैं और तब यह गीत बजता है। अब एक पल रुकी सोची, आज से कुछ सालों पहले जहां शिव की आराधना में ये गीत बजते थे कि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ, भोले शंकर की पूजा करो ध्यान चरणों में उनके धरो, या सुबह सुबह लो शिव का नाम जैसे गुलशन कुमार के भजन घरों और मंदिरों में बजते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिव के नाम पर भोला भांग चिलम सुल्फा शराब और नशे के गीत सुनाई पड़ने लगे। चिलम पीते भगवान शिव की फोटो सोशल मीडिया पर घूमने लगी, लोग उन्हें अपनी डीपी पर लगाते हैं और जय महाकाल आदि नारे के साथ पोस्ट करने लगते हैं। लोग भी भगवान शिव के मुख में चिलम को पसंद करते हैं और फोटो शेयर करते हैं। सोचिए, क्या यही शिव की आराधना है? क्या यही शिव की पूजा है? क्या भांग सुल्फे शराब में डूबे लोग ही शिव के सच्चे भक्त हैं? अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए कि क्या यही शिव का सच्चा स्वरूप है? क्या आपका भगवान ईष्ट देव महादेव हर पल नशे में डूबा रहता है? क्या माता पार्वती हर समय भगवान के लिए भांग घोटा करती हैं? अगर नहीं तो फिर आपके ईष्ट देव का ये अपमान कौन कर रहा है? और उन अपमानजनक गीतों को बनाने वाले, उन पर नाचने वाले लोग कौन हैं? क्या कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता, या इस बारे में सच क्या है ये जानना नहीं चाहता? मैं जो गाने गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है? दुख की बात है, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग गांजा आदि का सेवन किया करते थे, लेकिन आज बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। ये दोनों ही कृत्य भगवान शिव शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शिव की छवि खराब किए जाने की साजिश है। यह भगवान शिव का घोर अपमान है और यह अपमान कोई और नहीं बल्कि खुद को हिंदू कहने वाले कुछ लोग कर रहे हैं। और बहाना क्या है कि शिव जी विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भांग का नशा किया करते थे, जो कि बिल्कुल अज्ञानता भरा बहाना है, नशा करने का बहाना है। यह भी छोड़िए, बड़े बड़े पंडित भी शिव के मंदिरों में जब भांग का अभिषेक करते हैं तो फिर अन्य किसी पर दोष देने का क्या मतलब? यह तो अब आम हो चला है कि शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोट कर पीते हैं। किसी को भांग पीने की लत हो पीजिए, लेकिन शिव के नाम पर भांग पीना शिव जैसे परम पुरुष महादेव का अपमान है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको यह जानकर और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव हिंदू धर्म का मूल तना है, वह सनातन धर्म की रीढ़ है।
इसलिए शिव को भांग सुल्फे चरस गांजे से जोड़कर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि इस रीढ़ को तोड़ा जा सके और शिव को अपमानित कर उनका धर्मांतरण का काम आसान हो जाए। वह शिव जिससे सनातन का सूर्य दमकता है, वह शिव जो उद्गम भी है और प्रलय भी। शिव ही शक्ति है और शक्ति का नाम ही शिव है। शिव विकास का प्रथम चरण नहीं, अंतिम शिखर है। वह गौरी शंकर है, वह कैलाश है, वह आखिरी शिखर है जहां सभी चेतनाएं अंततः पहुंच जाएंगी, जिस तरफ सभी की यात्रा चल रही है। शिव होना कोई एक घटना नहीं जो घट गई, शिव एक प्रवाह है जो प्रतिपल घट रहा है। शिव प्रतिक्षण हो रहा है। शिव वह पुष्प है जो एक बार खिलता है और ऐसा फूल जो कभी नहीं मुरझाएगा। उस फूल को हम शिवत्व कहते हैं, वही परमात्मा है। ईश्वर के प्रति गहन समाधि का नाम शिव है। ज्ञान की खोज का नाम शिव है। ध्यान की परम ऊंचाई का नाम शिव है। ऐसा ध्यान कि सांप भी शरीर पर रेंगने लगे किंतु शिव का ध्यान परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। एक शिव ही है जो कहते हैं कि होश को दोनों भौहों के मध्य में लाओ और मन को विचार के समक्ष आने दो। देह को पैर से सिर तक प्राण तत्व से भर जाने दो ताकि वहां वह प्रकाश की भांति बरस जाए। भगवान शिव के ध्यान की इस विधि को पाइथागोरस ने जाना। पाइथागोरस यह विधि लेकर ग्रीस गया और कमाल देखिए, ध्यान की यह विधि पश्चिम में सारे रहस्यमय वाद का उद्गम बन गई, क्योंकि यह विधि बहुत गहन पद्धतियों में से एक है जो भगवान शिव ने दुनिया को दी। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध कहता है कि दोनों बाहों के मध्य में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। यह ग्रंथि, जिसे पाइनियल ग्रंथि कहते हैं, यही शिव का तीसरा नेत्र है। दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन साधारणतः वह निष्क्रिय ही रहती है। उसे खोलने के लिए ध्यान करना पड़ता है। वह आंख अंधी नहीं है, वह बस बंद है। शिव इस विधि के ज्ञाता है, इसी कारण वो त्रिनेत्र है। ध्यान और ज्ञान की महाविधि को जानकर शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। किंतु हम किस शिव की पूजा कर रहे हैं? यह दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शिव की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं। जबकि ध्यान से देखिए, वह एक दीपक है और उसके मध्य में ऊपर उठा हिस्सा ज्योति का आकार है। यह आत्मा के दीपक से उठती ज्ञान की अमर ज्योति का स्वरूप है जो प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिव की प्रतीक है। यही शून्य है, यही आकाश है, यही अनंत है, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक है। इसलिए शिव आपके भीतर है, उसको छिपाए तुम चल रहे हो। संभाल कर चलना, सावधानी से चलना, क्योंकि तुम्हारे ही जीवन का सवाल नहीं है। तुम्हारे भीतर सारे अस्तित्व ने दांव लगाया है। सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिलने को आतुर है। उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। बहुत सावधानी से संभल कर होशपूर्वक एक एक कदम रखना, क्योंकि शिव का जन्म होना है। आज तुम्हें ही सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी को तुम कौन सा शिव देने जा रहे हो। ज्ञान और ध्यान की परम ऊंचाई प्राप्त करने वाला शिव या भांग चरस सुल्फा चिलम पीने वाला शिव, डमरू वाला शिव या ज्ञान की अखंड ज्योति वाला शिव। शिव की शक्ति का समूचा पुंज तुम्हारे हृदय के अंदर है। जैसे चाहो ऐसे शिव अगली पीढ़ी को गर्व के साथ दो या शर्म के साथ दो। जैसा शिव तुम अगली पीढ़ी को दोगे ऐसा ही तुम्हारा धर्म होगा। चमकता धर्म या डूबता धर्म, दोनों आपके हाथ।